अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस की वबा जो है उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। मैं बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया की और उसकी सिटी एडलीड की, क्योंकि मैं यहाँ एडलीड में रहता हूँ और साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है एडलीड। यहाँ पे अल्लाह का बहुत एहसान है कि यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस है, तो लोगों ने उसकी जो प्रिकॉशंस थी उसको और जो इंस्ट्रक्शंस थी उसको कम्प्लीटली फॉलो किया। और गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे जो है, अब कल की मैं बात करूँ अगर, तो 2 से 4 केसेस 24 आवर्स में रिपोर्ट हुए थे, जो कि ग्राफ था वो आई थिंक 50 to 48 से स्टार्ट हुआ था डेली का। लेकिन कल की अगर मैं बात करूं तो वो जो रिपोर्ट हुए थे खाली 4 cases or 2 cases हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोगों में काफ़ी अवेयरनेस है, उसमें जो इन्होंने ख़ास प्रिकॉशंस थी वो सोशल डिस्टेंसिंग थी। दूसरी चीज़ ये थी कि पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी सिचुएशन ख़राब है, तो उसमें यही है आप लोग भी उसकी जो है क्या नाम, ज़्यादातर कोशिश करें कि घर में स्टे करें, और बहुत अशद अगर कोई ज़रूरत है तो ग्रॉसरी की या कुछ, तो उसमें आप जो है ना घर का एक फ़र्द ही बाहर निकले। बाकी पॉजिटिव रहें, इंशाल्लाह रमज़ान आने वाला है, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें। कभी भी अल्लाह ताला ने अपने बंदे को अकेला छोड़ा नहीं है, और इसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होगी। एक और चीज़ जो आजकल बड़ी कॉमन हुई हुई है वो ये है कि चीज़ों को हम, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी बंदे के बारे में एक ऐसी बात कह दूं कि ये फ़लाँ शख्स ने ये बात की थी, जबकि उसने वो बात नहीं भी की हो, तो वो बंदा कितना माइंड करेगा कि यार मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की, आप मुझसे जो है उसको रिलेट कर रहे हो। आजकल आप देखें कि हर किसी ने जो है, नाऊज़ु बिल्लाह कहना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला की तरफ कितनी रिलेट कर दी हैं बातें कि ये अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है, ये अल्लाह ताला ने सज़ा दी है, ये एक्स है, ये वाई है। तो जो है एक चीज़ आप ये नोट करें कि अगर किसी इंसान के बारे में हम ये बात करते हैं तो वो इतना माइंड कर जाता है, तो अल्लाह ताला की तरफ आप कैसे रिलेट कर सकते हैं जबकि आपको कोई श्योरिटी है ही नहीं। श्योरिटी जो है अल्लाह ताला के जो रसूल हैं, पैगंबर हैं, वो दिया करते हैं, और वो अल्लाह ताला उनकी ज़बान ही, अल्लाह ताला के लफ्ज़ जो है उनकी ज़बान के थ्रू बोलते हैं। तो अब आप ये चीज़ सोचें कि आप अल्लाह ताला की तरफ चीज़ें रिलेट कर रहे हैं जिसमें आपको श्योरिटी भी नहीं है। हाँ, एक ये चीज़ कर सकते हैं आप कि आप इस्तग़फ़ार करें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अल्लाह ताला की तरफ से वाकई है, जो कि किसी को भी नहीं पता, तो उसमें ये होगा कि अल्लाह ताला उससे आपकी हिफाजत फरमाएंगे, उम्मत की हिफाजत फरमाएंगे, और अगर नहीं भी है तो आपको जो है उसमें उसका सवाब ही मिलेगा। तो प्लीज़ इसको जो है इस तरह से रिलेट ना करें जिसके बारे में आपको श्योरिटी ना हो, वो भी अल्लाह पाक की ज़ात के साथ। एक आप मुझे, मैं आपको एक छोटा सा इसमें वाकया सुनाता हूँ। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था, तो जब वो आग की तरफ जा रहे थे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए और उन्होंने कहा आप अल्लाह से मांगते क्यों नहीं हैं। तो पता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितना प्यारा जवाब दिया, आप इस पर सोचिएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या पता अल्लाह ताला की रज़ा हो मुझे आग में डालना और मैं अल्लाह से मांग लूं कि अल्लाह ताला मुझे बचा ले, तो अल्लाह की मंशा या मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना हो जाए। तो सोचें कि वो इस पे कितने, उनका ईमान किस लेवल का होगा। खैर, हम तो उनकी खाक की खाक भी नहीं हो सकते कभी भी। वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता अल्लाह ताला मुझे, जबकि वो पैगम्बर हैं, कि मुझे आग में डालना चाहता हो और मैं जो हूँ उनसे इससे हिफाजत मांग लूँ। तो सोचें, अब वो पैगंबर हो के अल्लाह से कोई चीज़ इस तरह रिलेट नहीं कर रहा है, और हम किस तरह रिलेट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अजाब भेजा हुआ। लेकिन ये देखें, हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ देखें। आप घर में हैं, आपके पास कितना अच्छा टाइम है, आप इबादत करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, इंशाल्लाह आप देखिएगा ये जो भी वायरस है या ये वबा है, ये थोड़े दिन में अल्लाह ताला इसको ख़त्म करवा फरमा देंगे। और आप देखिएगा कि रमज़ान आने वाला है, अल्लाह ताला का हज़रत सल्लम से भी वादा है कि मैं आपकी उम्मत को अकेला नहीं छोड़ूंगा, और आप देखिएगा अल्लाह ताला अपने वादों में खरा है और सच्चा है, और आप देखिएगा इंशाल्लाह ये बहुत जल्द सब कुछ सेट हो जाएगा। इसमें सबके लिए लेसन है, आप उसको जो है देखें कि ये चीज़ें किस तरफ जाती हैं, और इंशाल्लाह हमेशा जो है पॉजिटिव रहें, चीज़ें अच्छी तरफ ही जाएंगी।
तो ये था मेरा आज का छोटा सा मैसेज। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे व्लॉग को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।